नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा के स्यालदे विकास खंड में चौकोट महोत्सव मेले का आगाज हुआ। महोत्सव का आगाज कई वर्षों से हो रहा है। महोत्सव में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना ने शिरकत की। विद्यालय के बच्चों और महिलाओं समूह ने सल्ट महेश जीना का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। महोत्सव में मुख्य अतिथि सल्ट विधायक महेश जीना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। महोत्सव में आए विभिन्न क्षेत्रों से महिला समूहों को एक वाटर जग देकर समिति की ओर से सम्मान दिया। इस वर्ष भी मेले में हजारों लोग पहुंचे। इस वर्ष 12वां महोत्सव जिसमें क्षेत्र के लगभग 50 महिला समूहों ने प्रतिभाग लिया। आज हमारे सल्ट विधानसभा में चकोट महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इसमें चकोट महोत्सव के आयोजन समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये हर साल हमारे क्षेत्र में सुरेंद्र जीना जी और हमारे मेहरा जी वगैरह इन सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता रहा है। पूर्व में इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी आते रहे, लेकिन इस बार चुनावी वर्ष है और मुख्यमंत्री जी के व्यस्तम कार्यक्रम की वजह से यहाँ आज उनका आना नहीं हो पाया और बारिश का भी मौसम रहा। और लेकिन इसी प्रकार के मेले जो है हम अपने विधानसभा में आगे करने जा रहे हैं। हम इसी प्रकार सल्ट महोत्सव भी करेंगे और चकोल महोत्सव हो ही गया, इस प्रकार मानिला महोत्सव हम करते ही हैं और इन्हीं मेलों को बढ़ावा देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। बहादुराबाद के दौलतपुर गांव के पास आज एक कार और एक बाइक में टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक करीब 15 फीट ऊंचा उछल गया, जिस कारण नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। टक्कर लगते ही मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। मृतक युवक करनाल का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस उसके बारे में और जानकारी जुटा रही है। पिछले दो दिनों से चमोली जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिस कारण निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है और ऊंची चोटियों में जमकर बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि विश्व पर्यटक स्थल औली में भी हल्की हिमपात देखने को मिल गई, जिस कारण वहां पर आए हुए पर्यटक बर्फ को देखकर काफी प्रसन्न हो गए। औली एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। हालांकि इस वक्त औली के तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है। जबरदस्त ठंड का सितम जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। ठंड की परवाह ना करते हुए पर्यटक विश्व विख्यात पर्यटक स्थल औली का दीदार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार मिनी स्विट्जरलैंड बर्फबारी के साथ कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र, इट्स रियली नाइस हियर एंड स्नो, आई हैव सीन स्नो फॉर द फर्स्ट टाइम and I'm enjoying a lot here. Thank you. Keshav है, केशव और जय। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लोग फरकावाड़ से। कैसा लग रहा है आपको औली में इस वक्त? बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो आने वाले पर्यटक हैं, जो बाहर से हैं आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत अच्छा, वो सब जो भी आए। यहाँ पर बात करें बर्फ की, तो कितनी बर्फ जमी हुई है अभी? बर्फ यहाँ पे बहुत ज्यादा। जनपद हरिद्वार के बुग्गावाला थाना पुलिस की ओर से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बुग्गावाला थाना क्षेत्र में कोरोना बचाव जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों को मास्क बांटे गए। थाना अध्यक्ष प्रशांत बहुगुना के नेतृत्व में अमानतगढ़ चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल व पुलिस कर्मियों ने थाना क्षेत्र के गांव-गांव जाकर ग्रामीणों और दुकानदारों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। चौकी प्रभारी मनोज नौटियाल ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक ग्रामीण मास्क लगाए, सामाजिक दूरी बनाकर रखे, बार बार हाथ धोए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। इसी के साथ साथ पुलिस ने सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने की भी लोगों से अपील की। कलियर क्षेत्र के घनौरी स्थित पीएनबी बैंक शाखा के रविंद्र सैनी समाज सेवी अपने परिवार के सदस्यों के साथ और भाई भूप सिंह के साथ मिलकर गौरव ई वाहन एजेंसी निकट पीएनबी बैंक सैनी मार्केट धनोरा का रिबन काटकर उद्घाटन किया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य भूप सिंह ने कहा कि आज बढ़ती महंगाई के दौर में ये इलेक्ट्रिक वाहन स्कूटी स्कूटर मील का पत्थर साबित होंगे और गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों के बजट में लाभदायक होंगे।
उन्होंने कहा कि आने वाला समय भी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही है, क्योंकि इस महंगाई में अब पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन आम आदमी की पकड़ से दूर होते जा रहे हैं। के नाम से एक शोरूम खुला है जिसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी स्कूटर अवेलेबल हैं और जो है कि नियर पीएनबी बैंक सैनी मार्केट धनोरी में। अभी ये गौरव वाहन एजेंसी के नाम से जो है इसके प्रोपराइटर गौरव सैनी जी हैं। डायल कंपनी ने इनको उत्तराखंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको सीधा बोलते हैं वो बनाया है और ये आज उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले में सबसे पहला शोरूम है। और मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत की रवि साहब कि यहाँ पर हर क्षेत्र पड़ता है, हर क्षेत्र के बहुत गरीब लोग हैं, यहाँ कोई आय का साधन तो है नहीं, तो मेरे हिसाब से 51,000 रुपये की स्कूटियाँ और कंपनी भी बहुत महंगी पड़ती है और ये पेट्रोल डीजल मुक्त स्कूटियाँ ये जो है बैटरी से चलेगी। पर दूसरे दिन भी ड्रग्स विभाग और विजिलेंस एफडीए देहरादून की टीम ने कार्रवाई करते हुए 8 मेडिकल स्टोरों में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया। एक मेडिकल की दुकान पर क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई करते हुए एक मेडिकल को सील कर दिया गया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने बताया मेडिकल की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है जिसमें 8 दुकानों के सैंपल लिए गए, सभी को जांच के लिए भेजा जाएगा और एक दुकान के क्रय विक्रय पर रोक लगाने की कार्रवाई भी की गई है और संदिग्ध दुकान को सील भी कर दिया गया है। निरीक्षण किया गया है 5-6 मेडिकल स्टोर्स का, उसमें एक संदिग्ध मेडिकल स्टोर था जिसपे जो है साइन बोर्ड नहीं मिला था, उसको संपर्क किया गया और बार बार बुलाने पर भी मौके पर नहीं आया, उसकी दुकान फिलहाल जो है अग्रिम कार्यवाही के लिए सील कर दी। हाँ किया था उन्होंने, थोड़ा सा प्रयास किया गया था ऐसा, लेकिन अभी देखते हैं अग्रिम कार्रवाई करके तो आगे भी जारी, बिल्कुल आगे कार्रवाई जारी रहेगी, जो भी गलत करता हुआ पाया जाएगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर के किच्छा में सैकड़ों भूमिहीन ग्रामीणों ने सीलिंग की सरकारी भूमि पर स्थानीय भूमिहीनों को बसाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। किच्छा में उत्तराखंड भूमिहीन खेतिहर मजदूर बहुधंधी समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने खुरपिया फार्म में सीलिंग की भूमि पर पात्र भूमिहीनों को भूमि आवंटित कर बसाए जाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन भी प्रेषित किया। ग्रामीणों ने किच्छा में SDM के माध्यम से CM को ज्ञापन प्रेषित कर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। किच्छा से समिति के बैनर तले नगर के इंदिरा गांधी खेल मैदान में खुरपिया फार्म क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हुए। इंदिरा गांधी खेल मैदान से जुलूस की शक्ल में सभी ग्रामीण नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय तक पहुंचे। मांगे केवल यही है कि जो 485 एकड़ भूमिहीनों के लिए आरक्षित गई है वो भूमिहीनों में तुरंत वितरित किया जाए और इलेक्शन से पहले किया जाए। एक समिति इन्होंने बनाई थी जो कि भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी करना था, वो भी नहीं जारी हुआ, जो SDM कार्यालय से हुई थी वो लेटर भी हमारे पास है। मैं SDM साहब से यही बात कही कि सर हम आप उससे जवाब लेने आए थे, वो बोले मैं छुट्टी पर हूँ मैडम, आप हमारे कार्यालय को दे दीजिए। मैंने कहा सर मैं आपसे जवाब भी चाहती हूँ, कुछ सवाल है मेरे मन में। उन्होंने कहा कि मैडम जो भी होगा, अब आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, हमारे कार्यालय को दे दीजिए। मैंने उनको सारी बातों से अवगत करा दी और मैंने कह दिया सब एक हफ्ते का टाइम मैं दे रही हूँ आपको, एक हफ्ते में अगले सोमवार को 10 तारीख पड़ रहा है ना, अगले सोमवार को 10 तारीख को हम फिर आएंगे SDM से जवाब लेंगे और उस दिन हो सकता है कि इनको पट्टा देना पड़े या भूमिहीन प्रमाण पत्र देना पड़े। लक्सर में आयोजित कांग्रेस OBC विभाग की बैठक में OBC जिला अध्यक्ष विकास चौधरी ने लक्सर सीट पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद खारी को टिकट देने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो लक्सर सहित जिले की 5 सीटों पर कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि लक्सर के खेड़ा गांव में आयोजित कांग्रेसी विभाग की बैठक में 2022 के विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। युवाओं ने कहा कि जिले में लक्सर के अलावा खानपुर, भगवानपुर, मंगलौर में झबरेड़ा विधानसभा सीट पर गुर्जर समाज के मत निर्णायक हैं। इनकी सबसे बड़ी संख्या लक्सर का कानपुर में है। उन्होंने कहा कि पार्टी अक्सर एक टिकट गुर्जर समाज के प्रत्याशी को देती है, उन्होंने इस बार लक्सर सीट से गुर्जर बिरादरी के युवा चेहरे को टिकट देकर चुनाव लड़ने की भी मांग की है। कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार लक्सर विधानसभा से प्रमोद खारी जी को अगर टिकट नहीं होता है
तो पूरा गुज्जर समाज आक्रोश में रहेगा और जगह जगह महापंचायत करेंगे और इसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को सिर्फ और सिर्फ विधानसभा लक्सर पे ही नहीं, और भी विधानसभाएं हैं जैसे कि जबरेड़ा हो गई और खानपुर हो गई, भगवानपुर हो गई और हरिद्वार ग्रामीण हो गई, पूरा समाज उनके साथ है। कार्य जी को होना चाहिए, देखो हर समाज को टिकट हुआ है यहाँ से, कांग्रेस क्या नाम है सैनिक को भी हुआ है, सबको हुआ है, मगर हमारे समाज को तो टिकट होना चाहिए। चलिए प्रमोद खारी जी को यहाँ के लिए टिकट होना चाहिए जरूरी। मंगलोर के लिबर हेडी गन्ना समिति में गन्ना मंत्री यतीश्वरानंद पहुंचे, जहां पर उन्होंने गन्ना किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद मंगलोर के हजरौली जट गांव में 100 मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री केंद्र सहित गन्ना समिति की वेबसाइट और किसानों का इंक्वायरी कार्ड का शुभारम्भ किया। इस मौके पर गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि यह गन्ना समिति उत्तराखंड की अन्य समितियों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि यह समिति गन्ना किसानों के लिए आदर्श स्थापित होगी। देखिए आज इस सहकारी गन्ना समिति लिबरेडी के 3 योजनाओं का लोकार्पण माननीय गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद जी ने यहाँ पर किया है। इसमें एक तो हरजुल्ली जट में 100 मीट्रिक टन का हमने गोदाम उर्वरक बिक्री केंद्र खोला है, उसका लोकार्पण यहाँ किया है, और एक समिति की वेबसाइट हमने बनाई है उसका भी शुभारम्भ यहाँ किया गया है। आज लिबरेडी जो हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति है, उसमें कृषक इंक्वायरी योजना का शुभारम्भ किया गया। अब जो हमारे गन्ना किसान हैं उनको एक कार्ड दिया जाएगा, वो कार्ड अपना मशीन में लगाएंगे, उनको तत्काल उनकी पूरी गन्ने की जानकारी, कितना गन्ना उनका अभी बाकी बचा हुआ है, कितना शुगर मिल में चला गया, कितने रकबे में गन्ना बुआई की थी, वो सारी की सारी जानकारी गन्ना किसानों को एक मिनट के अंदर मिली। रुड़की में थाना सिविल लाइन्स रुड़की क्षेत्र में कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक देहात महोदय के पर्यवेक्षण में एक रैली निकाली गई। उक्त रैली थाना क्षेत्र के सिविल लाइन्स बाजार, सौत मोहल्ला, मच्छी मोहल्ला, खंजरपुर, मलकपुर, चुंगी, आदर्श नगर, सोनालीपुरम से होती हुई महर्षि वाल्मीकि चौक पर समाप्त हुई। उक्त जन जागरूकता कार्यक्रम में आमजन को कोविड के खतरों के संबंध में और मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल किए जाने के लिए प्रेरित किया गया और आमजन को मास्क का वितरण भी किया गया। उक्त रैली में क्षेत्राधिकारी रुड़की, प्रभारी निरीक्षक गंगनहर, ट्रैफिक निरीक्षक रुड़की और प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन्स रुड़की और चेतक कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लागू करने के पीछे सरकार की साफ मंशा थी कि गांव के लोगों को गांव में रोजगार मिल पाए और उन्हें रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटकना ना पड़े, लेकिन इस योजना को असली धरातल में पहुंचाने वाले अधिकारी कर्मचारियों ने इस योजना में कुदाल चलाकर लोगों को बेरोजगारी के अंधे कुएं में ढकेल कर रख दिया है। यही वजह है कि पाली क्षेत्र के आदिवासी मजदूर दर दर भटक रहे हैं और मजबूरन पलायन करने के लिए विवश हो रहे हैं। भ्रष्टाचारी में लिप्त पंचायत में आचार संहिता लगते ही सचिवों और इंजीनियरों की मिलीभगत से जेसीबी और ट्रैक्टर से कार्य कराया जाता है, भ्रष्टाचार की शुरुआत हो गई है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मजदूर से काम ना कराकर जेसीबी से कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई होती है या महज गाँव के मजदूरों को ऐसे ही रहना पड़ेगा। जेसीबी का प्रयोग हुआ है तो गलत है, हमारे संज्ञान में तो नहीं है, हम इसकी जांच करवा लेते हैं फिर आपको बताएंगे क्या है। सर यहाँ तालाब बनाया जाता है सर, तो ये पंचायत की तरफ से बन रहा है, यहाँ काम नहीं लगाया जाता है। किससे खुदाई हो रही है? मशीन से हो रहा है। कौन सी मशीन लगी है? जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर भी लगे हैं 4। और यहाँ के मनरेगा के तहत किसी काम में रखा? किसी को नहीं रखा है सर, किसी को काम में नहीं रखा किसी। यम मशीन लगी है, जीसी लगी है, 3 ट्रैक्टर लगी है, अब मजदूरन का काम नहीं मिल रहा है। मजदूरों काम नहीं मिल रहा है, ये किसकी तरफ से काम? ये पंचायत से हुई। पंचायत से, यहाँ आपका क्या कहना है सबसे ज्यादा? हमको काम दें भाई, यहाँ काम करे वाले सलगे हैं। जेसीबी से काम किया जा रहा है? हाँ, जेसीबी से काम करवा रहे हैं, लेबर एक नहीं। महितपुर में सुरक्षा गार्ड की कमी और सीसीटीवी कैमरे की कमी के चलते आए दिन मंडी में व्यापारियों के माल की हो जाती है चोरियां। मंडी सचिव अश्विन सिन्हा ने व्यापारी प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने और सुरक्षा गार्ड बढ़ाकर मंडी की सिक्योरिटी की कमी की जाएगी पूर्ति। पुलिस शिकायत दर्ज
पुलिस अधिकारियों द्वारा भी और अधिक गश्त बढ़ाकर करी जाएगी चोरों पर नकेल। अभी हाल ही में गश्त के दौरान 3 मोटरसाइकिल चोर पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। ये मेरे संज्ञान में आज आया है कि ये दूसरी बार घटना हुई है ऐसी कि व्यापारी के जो गोदाम यहाँ पे अस्थायी रूप से दिए हुए हैं इन लोगों को, तो वहाँ पे रात के समय जो है वो कतिपय चोर वगैरह जो है आके इनके बोरे जो है उठा के लेके चले गए हैं। अब सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पे कमी है तो उसके संबंध में भी, साथ ही CCTV की भी जो है जो कमी हो रही है सामने वाले प्रांगण के अंदर, उस कमी को भी दूर करने के लिए मेरे द्वारा वरिष्ठालय को अवगत कराया जा रहा है और उनसे अनुमति लेकर गार्डों की संख्या बढ़ाने की कार्रवाई भी तत्काल करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। साथ ही CCTV की भी व्यवस्था जो है मेरे द्वारा, ज़्यादा कैमरे बढ़ाए जाएंगे तो उसकी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाने वाली है। बहुत ढिंडोरी आदिवासी बाहुल्य जिले में नहीं रुक रहा धर्म परिवर्तन का खेल। इसके पहले भी जिले में धर्म परिवर्तन को लेकर अनेक मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी भोले भाले आदिवासियों को अनेक प्रकार से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ताजा मामला बजाक के भानपुर गांव के भर्रा टोला में देखने को मिला, जहां एक घर आंगन में सैकड़ों की संख्या में बैठे लोग जो या तो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। जानकारी लगने पर कुछ हिंदू धर्म रक्षक मौके पर पहुंचकर जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन इनके साथ भी अभद्रता करते हुए मारपीट की गई, जिसकी शिकायत बजाज पुलिस को दी गई। बजाज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों को थाने लेकर आई, जहां धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमको जानकारी मिली थी गाँव के द्वारा कि वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम रखा गया है, एवं 100 से अधिक लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम उपस्थित थे। वहाँ पर हम जब जैसे गए तो हमारे वहाँ के लोगों द्वारा हमारे ऊपर मारपीट हमारे ऊपर की गई। उसके लिए हमने TI साहब के पास कॉल किया तो पुलिस बल आई और उसके बाद FIR दर्ज हुआ। भानपुर भर्रा टोला में रज्जू के यहाँ कुछ लोग आकर प्रचार प्रसार करने की सूचना मिली थी, जिस पर वहाँ जाकर देखे तो भीड़ थी, उन पर पूछताछ की जा रही तथा जैसे भी तथ्यात्मक बातें आएंगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एक अच्छा जीवन जीने के लिए शरीर का स्वस्थ होना बेहद जरूरी है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मानव जीवन में खेलों का विशेष महत्व है। सामाजिक संरचना में टीम वर्क की महत्वता और उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो यह अति महत्वपूर्ण है। इस तारमताय में पत्रकार वार्ता में लोकसभा सांसद राकेश सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से खेलों को बढ़ावा देने का सदैव ही आग्रह रहा है और इस दिशा में हमारी सरकारें निरंतर कार्यरत हैं। लेकिन यह कार्य सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए जन जागरूकता और सहभागिता भी आवश्यक है। इसी की दृष्टिगत रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जबलपुर संसदीय क्षेत्र में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि वे चाहते हैं कि देश में खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा मिले और देश का युवा खेलों को प्रोफेशन के रूप में अपनाए, खेल में अपना भविष्य देखे, तो उससे उसका भविष्य तो सुरक्षित होगा ही, लेकिन एक स्वस्थ भारत का भी निर्माण होगा। और इसलिए खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए समय समय पे उनका मार्गदर्शन और आग्रह दोनों रहता है। जबलपुर में हमने तय किया है, देश नहीं पूरी दुनिया के युवा जिनको अपना आदर्श मानते हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जयंती 12 जनवरी से जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत होगी जो 12 दिन चलेगी और 23 जनवरी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है उस दिन इसका समापन होगा। जबलपुर पर्यट नहर से लगे हुए कुलवंत वेयर हाउस छतरपुर धान खरीदी केंद्र में किसानों को बरदाने की समस्या के साथ साथ तुलाई की समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जब किसान ने अपनी आपबीती मीडिया को सुनाई तो वहां पर मौजूद वेयर हाउस प्रभारी द्वारा उसे भगा देने और धमकी देने की बात कही गई और किसानों का यह भी आरोप है कि धान
धान खरीदने में उसे रखने की कोई जगह नहीं है और धान की तुलाई 41 किलो 900 ग्राम हो रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है। आपको बता दें कि शासन के द्वारा 40 किलो प्लस वरदाने का वजन मिलाकर लगभग 40 किलो 700 ग्राम के आसपास का निर्देश दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जबलपुर जिले में बने हुए धान खरीदी केंद्र में केंद्र प्रभारी और वेयर हाउस मालिक अपनी मनमानी कर अनाप शनाप धान की तुलाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।